जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, 7 नवंबर से अग्निवीर वायु एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के फॉर्म्स भरने चालू हो जाएंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि इस अग्निवीर वायु के फॉर्म भरते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप 17.5 से 21 साल की उम्र के हैं और आप 12th पास हो चुके हैं तो ये फॉर्म आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले एयरफोर्स का ये जो फॉर्म है उसकी जो वेबसाइट है वो है www.agnipathvayu.cdac.in। इस वेबसाइट पे जाके 7 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का शुल्क लग रहा है, फॉर्म फीस 250 रुपीज लग रही है। इस 250 रुपीज में चाहे एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई करें, चाहे वाई ग्रुप के लिए, चाहे एक्स प्लस वाई के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले एक नई ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। नई ईमेल आईडी इसलिए बोल रहा हूं कि बाय चांस कोई पुरानी ईमेल आईडी आपको याद नहीं, उसका पासवर्ड याद नहीं, तो नया ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। एक ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि वो ईमेल आईडी आपको फॉर्म भरते वक्त एंटर करनी पड़ेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे नंबर पे 12th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ लोग 10th के बाद सीधे डिप्लोमा करते हैं, उन बच्चों को भी डिप्लोमा की फाइनल ईयर मार्कशीट होनी अति आवश्यक है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ जो अक्टूबर की होगी वो आपको अपने साथ लेनी है। इसका साइज 10KB टू 50KB होना चाहिए। फोटो जहां आप बनवाएंगे आप ध्यान रखेंगे कि जो साइज है वो 10KB से 50KB है, क्योंकि फोटो अपलोड होगी, बहुत हैवी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो के ठीक सामने स्लेट होनी चाहिए, स्लेट में बड़ा बड़ा कैपिटल लेटरों में आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस फोटो की लगभग 10 से 15 कॉपीज अपने साथ रखिएगा जरूर। इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो आपका चाहिए, वो भी आपको ई सिग्नेचर के लिए चाहिए होगा, इसलिए साइन करके उसका स्कैन ले लेंगे। स्कैन 10KB से 50KB के बीच का रखेंगे। कैंडिडेट्स की सिग्नेचर की इमेज चाहिए, और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके गार्जियंस की भी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो गार्जियन ऑनलाइन तो सिग्नेचर करेगा नहीं, तो पहले से ऑनलाइन फादर सिग्नेचर भी आप स्कैंड रूप में रखेंगे। याद रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आधार वैलिडेट आधार आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये एयरफोर्स का फॉर्म भर पाएंगे। जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय स्टेट के बच्चों के लिए आधार कार्ड अभी कंपलसरी नहीं है, बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को आधार कार्ड रखना होगा और तभी फॉर्म भरना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब आप फॉर्म भर देंगे तो फिर से प्रोविजन दोबारा करेक्शन का नहीं मिलेगा, इसलिए जब फॉर्म भरेंगे अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ सही डिटेल्स भरिएगा, क्योंकि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और एक बार गलत डिटेल्स भर दी तो उसको रेक्टिफाई करने का प्रोसीजर नहीं होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म भरें अपना ईमेल आईडी अपने साथ रखें, मोबाइल नंबर साथ रखें, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखें, आधार कार्ड साथ रखें, तभी फॉर्म भरें। आशा करते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सब समझ आ गई हो। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।